गुड मॉर्निंग एवरी वन अच्छा बच्चे हमने शुरू कर रखा था अपना एक टॉपिक नो कंसीडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट इसके बेटा अभी तक हमने टोटल चार एक्सेप्शन कर लिए हैं है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंट्री सर्विसेस प्रोमिस टू टाइम बार डेट और फोर्थ हमने एक छोटा सा पॉइंट किया था बेटा बेलमेंट के ऊपर तो चार पॉइंट हो चुके हैं बेटा और लास्ट के ना अब हमारे तीन पॉइंट्स बचे हुए बेटा छोटे छोटे से एजेंसी गिफ्ट्स और चैरिटी चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ समझना शुरू करते हैं पहले एजेंसी डी पॉइंट डी पॉइंट है एजेंसी बेटा अब मैं अगर आपसे पूछूं What do you mean by the word agency? beta agency is the relationship. Agency is the relationship between principal and agent. तो principal और agent के बीच का जो रिश्ता होता है ना बेटा, उसे हम नाम एजेंसी देते हैं तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ये जो बच्चे क्या होती है रिलेशनशिप ये जो रिलेशनशिप होती है इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं बेटा एजेंसी तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसे हम नाम देते हैं बेटा एजेंसी ठीक है अब सुनो ध्यान से बेटा बहुत सिंपल बातें हैं सुनो सुनो बेटा अब होता क्या है देखो होता क्या है प्रिंसिपल ना एजेंट को अपॉइंट करता है प्रिंसिपल एजेंट को क्या करता है अपॉइंट करता है ठीक है अब एजेंट क्या करता है एजेंट प्रिंसिपल को देता है अपनी सर्विसेज। तो एजेंट प्रिंसिपल को क्या देता है अपनी सर्विसेज देता है जैसे बेटा हमने एक एग्जाम्पल किया था ना कि प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट किया अपनी कार सेल करने के लिए तो बेसिकली एजेंट प्रिंसिपल को अपनी क्या देता है बेटा सर्विसेस अच्छा अब एक बार बताओ मेरे को एजेंट तो प्रिंसिपल को अपनी सर्विसेस देता है बदले में इन रिटर्न बेटा एजेंट को क्या मिलता है बेटा इन रिटर्न एजेंट को ना मेरे साथ साथ लिखना बेटा इन रिटर्न बेटा एजेंट को मिलती है कमीशन इन रिटर्न एजेंट को क्या मिलती है कमीशन ठीक है तो उसे हम कंसिडरेशन कह लेते हैं तो इन रिटर्न एजेंट को क्या मिलती है कमीशन यानी कंसिडरेशन तो एजेंट अपनी सर्विसेस प्रिंसिपल को दे रहा है और इन रिटर्न एजेंट को क्या मिल रही है कमीशन यानी कंसिडरेशन ये भी हो सकता है बेटा कई बार कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है हो सकता है ए जो है वो मेरा ब्रदर है और मेरा ब्रदर मुझसे बेटा कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है मतलब हो सकता है कि वो मुझसे कोई कंसिडरेशन चार्ज ना कर रहा हो कोई कमीशन चार्ज ना कर रहा हो अब अपने आप बताओ हमने बेलमेंट में इसको कुछ नाम दिया था अगर कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है तो उसे हम नाम दे देंगे नॉन ग्रेटिटूअर्स एजेंसी क्या नाम दे दोगे उसे नॉन ग्रेटिटूअर्स एजेंसी अगर कंसिड्रेशन चार्ज किया जा रहा है और अगर मेरा ब्रदर मुझसे कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है तो वो है बेटा ग्रेटिटूअर्स एजेंसी वो है ग्रेटिटूअस एजेंसी बात समझ आई वही सेम बात कर रहा हूं बेलमेंट वाली अब सुनो अब मुझे बताओ इस केस में बताना नॉन के केस में एजेंट ने अपनी सर्विसेस प्रिंसिपल को दी और प्रिंसिपल से इन रिटर्न कमीशन मिली तो यहां पर तो कंसिडरेशन है और जब कंसिडरेशन है तो वो तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा ना उसमें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई कंसिडरेशन अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट है बात खत्म दिक्कत तो बेटा यहां पर है यहां पर मेरे को बताओ एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है प्रिंसिपल को लेकिन इन रिटर्न एजेंट को कुछ नहीं मिल रहा है देर इज नो कंसिड्रेशन ऑल दो देर इज नो कंसिडरेशन फिर भी बेटा इसे क्या माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसे माना जाएगा ऑल दो देर इज नो कंसिडरेशन तो मैंने कुछ नया बात नहीं करी है बेटा बिल्कुल सेम जैसे बेलमेंट में बात करी थी वही सेम है ऑल दो देर इज नो कंसिडरेशन फिर भी बेटा इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ऑल दो देर इज नो कंसिडरेशन फिर भी इसे क्या माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है बच्चे तो एक बात क्लियर हो जाती है बेटा मेरे को कौन सी बात एजेंसी में कंसिडरेशन हो या एजेंसी में कंसिडरेशन ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा वेदर देर इज कंसिडरेशन नो कंसिड्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लो बच्चे कॉपी करो यहां तक यह हमारा कौन सा केस हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बिल्कुल सेम पेलमेंट की तरफ ठीक है बेटा चले आगे कॉपी कर लो चलो बच्चे आगे चलते हैं अब बताओ मेरे को पढ़ो देखो क्या कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो विदाउट कंसिडरेशन मतलब प्रिंसिपल और एजेंट की बीच का कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन अगर है तो वैलिड होगा ही होगा अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी बेटा उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ठीक है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अच्छा बेटा रही बात गिफ्ट्स की तो इसमें बेटा मैं ज्यादा आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा बिल्कुल लॉजिकल सी बात है बेटा आप मुझे अपने आपना बता सकते हो मुझे एक बात बताओ बेटा गिफ्ट्स मेरे को बताओ बेटा को गिफ्ट को बेटा गिफ्ट क्यों कहा जाता है क्योंकि बेटा देयर इज नो कंसीडरेशन मुझे एक बार बताओ अगर मैं किसी पर्सन को गिफ्ट दूंगा तो क्या मैं उससे पैसा लूंगा बेटा अगर मैं पैसा लूंगा तो वो गिफ्ट किस बात का है वो तो सेल बन जाएगी गिफ्ट वो इसलिए है बिकॉज़ देयर इज नो कंसीडरेशन इन रिटर्न आप उस पर्सन से कुछ अमाउंट चार्ज नहीं करते हो तो गिफ्ट में तो बेटा कभी भी कंसीडरेशन होता ही नहीं है तभी तो वो गिफ्ट है अगर मैं पैसे ले लूंगा उसके बदले तो फिर वो गिफ्ट कहां रहा वो तो सेल बन गई बात समझ आई तो मुझे एक बार बताओ बेटा फादर ने फादर ने सन को अपना लैंड अपना लैंड क्या करा बेटा गिफ्ट करा फादर ने सन को अपना लैंड क्या करा बेटा गिफ्ट

तो गिफ्ट में तो कभी भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और लास्ट बेटा हमारा पॉइंट अब जो रहता है वो है चैरिटी सिंपल है मेरी समझोगे बेटा लास्ट पॉइंट है हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा चैरिटी ठीक है ना ये हमारा जी पॉइंट ना? है ना जी पॉइंट है हमारा बेटा चलो आ जाओ चैरिटी लास्ट पॉइंट बेटा ध्यान से मेरी बात ना सुननी है इंपॉर्टेंट है सुनो ध्यान से सुनना बेटा एग्जांपल लिखो पहले एग्जांपल बेटा क्या देखो ध्यान से जरा मिस्टर ए एक पर्सन है ठीक है अब सुनो ये बेटा एक ना टेम्पल है ये एक टेम्पल है ठीक है मिस्टर ए ने क्या करा बेटा मिस्टर ए को ना इस साल काफी प्रॉफिट्स हुए काफी सारे प्रॉफिट्स हुए तो उसने कहा सब प्रॉफिट्स भगवान की वजह से हैं तो मैं मंदिर को मंदिर को कुछ डोनेशन कुछ चैरिटी मैं दूंगा तो मिस्टर ए ने मंदिर का जो ट्रस्टी था उससे कहा आई प्रोमिस टू डोनेट आई प्रोमिस टू डोनेट रुपीस वन करोड़ टू यू मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक करोड़ रुपए तुम्हारे मंदिर को एक करोड़ रुपए डोनेट करूंगा अच्छा फॉर क्यों डोनेट करूंगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग अपनी नई बिल्डिंग बनाओ उसके कंस्ट्रक्शन के लिए मैं तुम्हें एक करोड़ रुपए का दान दूंगा यह वादा है मेरा बात समझ आई मुझे अब एक बात बताना मिस्टर ए तो टेम्पल को एक करोड़ रुपए की चैरिटी दे रहा है बदले में बदले में क्या उसे टेंपल टेम्प, टेंपल से कुछ मिल रहा है बेटा नहीं बेटा डोनेशन के बदले आपको कुछ मिलता थोड़ी ना है चैरिटी के बदले आपको कुछ मिलता है क्या नहीं बेटा तो इसका मतलब सुनो इसका मतलब देयर इज नो कंसीडरेशन बेटा इन रिटर्न तो मुझे कुछ मिल ही ना, ना मतलब देयर इज नो कंसीडरेशन इस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है बेटा कॉपी करते रहना साथ साथ तो मैंने क्या कहा ए मंदिर को एक करोड़ दे रहा है लेकिन बदले में ए को क्या मिल रहा है कुछ भी नहीं बेटा जब आप डोनेशन देते हो तो डोनेशन के बदले आपको कुछ नहीं मिलता आप जब चैरिटी करते हो तो बदले में आपको थोड़ी ना मिलता इसीलिए तो उसे चैरिटी डोनेशन कहते हैं देर इज नो कंसिडरेशन इन केस ऑफ चैरिटी अच्छा अब सुनो ऑल दो देर इज नो कंसिडरेशन ऑल दो देर इज नो कंसिडरेशन फिर भी इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा बेटा दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन समझना अभी अभी समझना

चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कंसिडरेशन नहीं होता है नो कंसिडरेशन ऑल दोन कैसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा नहीं बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन तो सर फिर आपने ये एक्सेप्शन में क्यों पढ़ाया हमें भाई एक्सेप्शन में तो वो पॉइंट्स आएंगे जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उन्हें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है तो ये तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सेप्शन में तो आना चाहिए ही नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को मेरी बात सुनना बेटा याद रखना चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं क्यों बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन तो चैरिटी में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पक्का तो फिर एक्सेप्शन में हम क्यों पढ़ रहे हैं ये वाला पॉइंट पॉइंट एक्सेप्शन में तो वो आने चाहिए जहां पर ऑल दो देर इज नो कंसिडरेशन फिर भी उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तो इसे क्यों एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं मैं आपको बताता तो हूं बेटा अब हुआ क्या बचे आपने टेम्पल को एक करोड़ का दान देने का वादा तो कर दिया ठीक है किस चीज के लिए न्यू बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए अब बेटा टेम्पल का जो ट्रस्टी था वो खुश हो गया उसने कहा चलो एक करोड़ रुपए मिलके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एक काम करते हैं एक काम करते हैं उसने क्या करा बिल्डिंग के लिए मटेरियल खरीद लिया मटेरियल खरीद लिया बहुत सारा मटेरियल खरीद लिया लेबर हायर कर ली लेबर हायर कर ली उन्हें एडवांसेस वगैरह सब दे दिए तो अब पता है गवर्नमेंट ने क्या कहा सुनो मेरी बात सुनो लॉ ने अब क्या कहा लॉ ने कहा तुमने जो प्रॉमिस किया था ना मिस्टर ए को कहा लॉ ने तुमने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के आधार पे तुमने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के आधार पे उस प्रॉमिस के आधार पे या तुम कह सकते हो उस प्रॉमिस के बेसिस पे टेंपल ने मटेरियल खरीद लिया लेबर को एडवांस वगैरह पे कर दिए खर्चे इंकर कर लिए ये क्यों इंकर करे तुम्हारे प्रॉमिस के बेसिस पे तो हम तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे क्योंकि तुम्हारे प्रॉमिस की वजह से टेम्पल ने लाइबिलिटी इंकर कर ली है तुम्हारे प्रॉमिस के वजह से टेंपल ने लाइबिलिटीज इंकर कर ली है और क्योंकि टेम्पल ने लाइबिलिटीज इंकर कर ली हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा और तुम्हें एक करोड़ रुपए की डोनेशन ट्रस्ट को टेंपल को देनी पड़ेगी तो मैं बेटा एक बात यहां पर ना एक बात मुझे क्लियर हुई पहले कॉपी करो फिर मैं आपको एक बार बताता हूं बहुत सिंपल सी बात कॉपी कर लो पहले पता है एक बात मैं आपको पता दो मिनट बताता हूं सुनो आओ नोट्स पे आओ एक बार अपने नोट्स पे आओ पढ़ते अभी समझ आ जाएगा आपको इफ अ प्रोमिसी अंडर टेक्स अ लाइबिलिटी ऑन द प्रोमिस ऑफ द पर्सन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू चैरिटी देन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेटा पता है क्या ये मेरे साथ चार्ट बनाना मेरे साथ चार्ट बनाना बेटा चैरिटी के, के केस में क्या है जो प्रोमिसी है हमारे केस में प्रोमिस कौन है टेम्पल सुनो अब दो बातें क्या प्रॉमिसी ने लाइबिलिटी अंडरटेक कर ली है आपके प्रॉमिस की वजह से या अभी तक प्रॉमिसी ने लाइबिलिटी इंकर नहीं करी है ड्यू टू योर प्रॉमिस अगर तो अगर तो उसने आपके प्रॉमिस की वजह से लाइबिलिटी इंकर कर ली है फिर तो बेटा याद रख लेना ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उसने लाइबिलिटी करी थी अगर तुम प्रॉमिस ना करते तो वो लाइबिलिटी इंकर ना करते हां अगर प्रॉमिसी ने कोई लाइबिलिटी इंकर नहीं करी है फिर उस केस में बेटा इसे कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा नो no. तो याद रखोगे बेटा मुझे एक बार बताओ याद रखोगे पह सुनो पहली बात आपके दिमाग में क्या आएगी चैरिटी के कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट क्यों तो फिर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा अगर अगर आपके प्रॉमिस की वजह से आपके प्रॉमिस पे ट्रस्ट करके अगर टेंपल ने प्रॉमिसी ने कोई लाइबिलिटी इंकर कर ली ना तो समझ लेना बेटा आप अपने प्रॉमिस के लिए आप चैरिटी देने के लिए बेटा लायबल हो जाओगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लो बेटा आपका चैप्टर टू कंसिडरेशन खत्म हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है डेट ऑफ टेस्ट test, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा आप तैयारी करना शुरू कर दो ठीक है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक समवेयर इसका टेस्ट होगा ठीक है चलो बच्चे नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे टिल देन थैंक यू